जय जिनेन्द्र राणम लरस सारो, ज्ञानी मनुष्य जीवन में सारभूत है। सच्चे सुख की उपलब्धि सम्यक ज्ञान के द्वारा ही संभव है। सम्यक ज्ञान के प्रति भव्य जनों का आकर्षण बढ़े, तीर्थंकरों एवं आचार्यों की वाणी जन जन के कंठ का हार बने, इसी उद्देश्य से जैन पाठशाला फैक्ट्स एंड नॉलेज का सृजन किया गया है। आज इस एपिसोड में हम जानेंगे अनुयोग के बारे में। अनुयोग किसे कहते हैं? जैन धर्म में शास्त्रों की कथन पद्धति को अनुयोग कहते हैं। जैन आगम चार भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें चार अनुयोग कहते हैं। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। प्रथमानुयोग, जिसमें महापुरुषों का आदर्श जीवन एवं पुण्य पाप के फल को बताया जाता है। रत्नत्रय समाधि एवं कथाओं के माध्यम से कठिन विषय को भी सरलता से समझाया जाता है। इस अनुयोग के प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं: हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, श्रेणिक चारित्र, महापुराण आदि। इसको पढ़ने से समता आती है। करणानुयोग, जो लोक आलोक के विभाग को, कल्प कालों को, परिवर्तन को तथा चारों गतियों के जानने में दर्पण के समान है, उसे करणानुयोग कहते हैं। इस अनुयोग के प्रमुख ग्रंथ हैं त्रिलोक पण्डिति, त्रिलोक सार, लोक विभाग आदि। इसको पढ़ने से संवेग प्रकट होता है। चरणानुयोग, जिसमें श्रावकों एवं मुनियों के चरित्र की उत्पत्ति एवं वृद्धि कैसे और किन किन कारणों से होती है एवं कौन कौन से व्रतों की कौन कौन सी भावनाएं हैं, उसका विस्तार से वर्णन मिलता है। इस अनुयोग के प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं: मूलाचार, मूलाचार प्रदीप, रत्न करंडक, श्रावकाचार आदि। इसको पढ़ने से प्रशम जागता है। द्रव्यानुयोग, जिसमें जीव अजीव तत्वों का पुण्य पाप बंध मोक्ष का वर्णन हो एवं जिसमें मात्र आत्मा का कथन हो, वह द्रव्यानुयोग है। इस अनुयोग के प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं: समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपाहुण आदि। चारों ही अनुयोग वीतरागता के पोषक तथा मोक्ष मार्ग के पथ प्रदर्शक हैं। विनय पूर्वक पढ़ा हुआ शास्त्र यदि प्रमाद से भूल भी जाते हैं तो भी जन्मांतर में पूरा का पूरा उपस्थित हो जाता है और अंत में केवल ज्ञान को प्राप्त करा देता है। जय जिनेन्द्र।